आज तो लगभग 2 महीने पहला दो नौजवान डिवीजन नंबर 8 विच पेंदे सिल्वर प्लाजा की मार्केट विच फास्ट फूड की दुकान तो बर्गर खा रहे सन। कुछ हथियारबंद गुंडियां वालों उक्त नौजवानों ते तेजधार हथियारों नाल हमला किया गया अते सिमरनजीत सिंह नूं उक्त गुंडे अगवा करके लै गए। इस मौके पर सिमरन की कुटमार की गई और धक्के ककार सिरी साहब और दुमाला साहब लुहाए गए। इस तो बाद अद मरिया करके सुनसान जगह पर सुट दिता। पुलिस वालों कार्रवाई ना करने अज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर इन्हों का साथ लोक इंसाफ पार्टी के आगुआ वालों दिता गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिस डिवीजन नंबर 8 के एफ आई आर एक दर्ज होती है 244 नंबर। करीब 2 महीने का समा हो चुका, वो हाले तक दोषियों की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। तो पीड़ित परिवार आ जो साढ़े को आए तो काफ़ी देर असी पहला SHO साहब के नाल भी गल करते रहे। तो जोड़े ये दो केस आए थे, एक किडनैपिंग का और एक जरा लाइव हो गया नौजवान ने खुदकुशी की, दो थाने का मामला जिदे दोने केसा के जी पुलिस हर फ्रंट से जी फेल रही है। साढ़े बार बार इन्हों फोन करने के बावजूद भी पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं की गई। जेकर असी पुलिस को कहने कि इन लोगों की गिरफ्तारी करो, ये आए दिन कितने ना कि होर खून खराबा करते हैं, लोगों के उत्ते हमले करते हैं। कल इस परिवार का नुकसान जो पीड़ित परिवार आ इन्हों का होर भी नुकसान कर सकते हैं, साडा नुकसान कोई कर सकते हैं। पर पुलिस का जवाब यह हुंदा सीगा कि तुसी दसो बंदे कित्थे आ, असी जाके चक लैने आ। किहड़ी डिवीजन केस हैगा जी? ये डिवीजन नंबर 8 दे विच आ, जिहड़ा किडनैपिंग दा परचा होया 244 नंबर FIR आ। ते जिहड़ा दूसरा मामला हैगा खुदकुशी वाला वह होया मॉडल टाउन 6 नंबर थाने के। पर दोनों ही SHO एडे क निकम्मे SHO आ, जो इन्हों फोन करो अगे ये गल सू कह देना कि तुम दसो वो लोग कितने आ, असी चक लें उन्होंने, ये कारियाँ तनखाह लेंगे आ। तो इस करके अं कमिश्नर साहब अगर बेनती करते हैं कि ये जड़े लोग आ जे SHO तुम थाने के लवाए आ, ये निकम्मे हो चुके आ, इन्हों वर्दियां लहा के किलियां ते टंगा लो। जिहड़ा नवा कोई इमानदार अफसर आए पुलिस लाइनां दे विच, जिहड़े इमानदार लोग आ उन्हां नूं पुलिस लाइन दे विच लाया हा, क्योंकि जिहड़े इन्हां तों बाहरे हो के काम करते इन्हां दी पोलिटिकली लोगों के कहने कार च नहीं रहिंदे इमानदार लोग, उन्हां नूं गुड्डे लाइन इन्हां ने लाया हा। उत्थों इमानदार लोग जिहड़ा कढ के लै के आओ, उन्हां नूं थाणे दे विच ड्यूटियां ज्वाइन कराओ, तां कि इहो जिहे जिहड़ा क्राइम आ इहनूं ठल पै सके। और लोग उदों तक जिहड़ा परिवार आ चिंता दे विच रहिंदा, अज जिन्नी देर उन्हां दा बच्चा घर दे विच नहीं आ जांदा। सो इस करके असीं बेनती करते कमिश्नर साहब नूं कि जिहड़े दोषी आ इन्हां नूं जल्दी तों जल्दी गिरफ्तार कीता जावे, नहीं तो फिर साडी मजबूरी होगी। असीं इह थाणिआं दे घराओ तों लै के SHO लेवल तो शुरू करांगे, जिहड़े पुतले साड़ने इन्हां जलील करना शुरू करांगे, ते एंड अहीं कमिश्नर साहब दे किन्ना टाइम दिंदे ते असीं कि 2 दिन दा असीं अल्टीमेटम दिंदे आ कि 2 दिन दे विच विच जिहड़े दोषी आ इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया जावे। और उहदे विच मैं एक होर भी गल दसनी चाहांगा कि मैं सारा तुहानूं जिहड़ी ऑडियो भी दूंगा जिहड़ी सानूं मैनूं जिहड़ी जानो मारन दी धमकी मिली है।